ज्ञान से रोशन कर दे सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। निरक्षरता अभिशाप है और साक्षरता वरदान। पिछली कड़ी में आपने देखा कि राधा की मौत पर मजदूरों में उत्तेजना है। राधा का बाप भरतू मैनेजर की जान लेने पर उतारू है, परंतु नशे में धुत्त है। माधो काका राधा की मौत का फैसला भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। गोविंदा अपनी पत्नी राधा की मौत पर दुखी है, उसे राधा के साथ बिताए सुख के पल याद आते हैं। मोहन काका के कंधे पर सर रखकर गोविंदा अपना दुख हल्का करता है। मुआवजे में मिले पैसे को राधा का बाप भरतू शराब पीने में उड़ा देता है। बिश्ना किसी से अपना खत पढ़वाता है। बिश्ना विक्रम को खत भेजने वाले के पास से अपनी अमानत लाने को कहता है। खतरे उठाकर जंगल को पार करता हुआ विक्रम निर्धारित स्थान पर पहुंचकर बिश्ना का खत उनको दिखाता है। विक्रम बिना पैसे लिए लौट आता है। बिश्ना पर तो मानो गाज ही गिरती है। विक्रम चोरी छिपे गौरी को मिलता है। गौरी की माँ लक्ष्मी उसका विरोध करती है। और अब देखें इसके आगे। दया रे दया, महंगाई बहुत बढ़ गई बेटा। हम जब बच्चे थे ना, तो हमारे बापू गांव में कहते थे। क्या क्या कहते थे पता है? वो जब पहली बार बम्बई में आए ना, तो वो और हमारा भाई दोनों मद्रासी होटल में बैठ के चाय पी रहे थे। अच्छा, वो चाय 5 पैसे की मिलती थी, अब चाय मिलती है 2 रुपए की, वो भी फुटपाथ पर। फिर भी लोग कहते हैं मेरा भारत महान है। पार्वती है का? पार्वती, चल चल चल। ओ माँ, लक्ष्मी तू? पार्वती तू? लक्ष्मी तू? गांव से इतनी दूर बंबई में मेरी बचपन की सहेली, मेरे तो भाग खुल गए देख। कैसे तू बता? पहले तू बता, तू कैसी है? भाई बताते हैं, क्या है इतनी जल्दी? आ जरा चाय वाय पी लेते हैं, आजा। चल 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 बचवा। आ लक्ष्मी, आजा आजा, चल आ बैठ बैठ। ए भैया, जरा 3 चाय बनाना। और बता पार्वती, बहुत अच्छी लग रही है, साड़ी भी बहुत अच्छी पहन रखी है। वो क्या है ना, क्या हमारा पति ड्राइवर है, 5,000 कमाते हैं महीने का। का 5,000? वैसे मकान भी ले रखे हैं अच्छी चाली में। खुद का लिया है क्या? फिर खुद का ले रखा है। 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। वैसे कुछ पैसे जमा कर सकूं बच्चों के भविष्य के लिए, ये सोचकर मैंने एक सेठ के यहाँ नौकरी कर ली है। वैसे बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, सुबह 9 से 1 बजे तक जाना पड़ता है और फिर से शाम को 5 बजे से 8:30 बजे। लेकिन कुछ भी कह लक्ष्मी, घर और नौकरी दोनों आराम से चल रहे हैं। काम क्या क्या करना पड़ता है? अरे कुछ नहीं, सुबह जाकर सिर्फ नाश्ता बनवाना पड़ता है और मेम साहब को खाना बनाने में मदद करनी पड़ती है। वैसे पता है बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, उनके पास 3-3 भाइयां हैं काम करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए। और इतना ही नहीं, तीज त्योहार पर मेरे बच्चों को कपड़ा देते हैं, मिठाई देते हैं और खाना भी देते हैं। हाँ, हाँ। खाना भी देते हैं फिर? और मुझे जरा से भी बीमारी या कुछ तकलीफ हो तो वो अपने डॉक्टर साहब के यहाँ भेज देते हैं। हाँ, तू भी तो पढ़ी लिखी है, मेरे जैसे अनपढ़ गवार होती ना तो 2 दिन में निकाल देते। अरे ज्यादा पढ़ी लिखी भी कहाँ हूँ, 6ठी क्लास ही तो पास की है। लेकिन एक बात कहूँ लक्ष्मी, आजकल के जमाने में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अरे ये क्या, हम अपने यहाँ के जा रहे हैं, ये बेचारी तो बोर होती होगी। बड़ी प्यारी है, तेरी बेटी है क्या? हाँ हमारी बेटी है और एक बचवा भी है। फिर स्कूल उल तो बेचती होगी। क्या बात करते है बहन, हमारे यहाँ बिल्डिंग का काम 6 महीने चलता है। वो काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम पकड़ना पड़ता है, तो स्कूल कैसे भेजे हम? अगर नई साइट पे जाना हो तो उनको हम परीक्षा में कैसे भेजे? अब तुम ही बताओ बहन, उनका कपड़ा लत्ता किताबें, इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाए?
नखरे मेम साहब जैसे हैं। खाने में ये चाहिए, खाने में वो नहीं चाहिए, कपड़े साफ सुथरे चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए। अरे इसके वास्ते तो हम बाजार आए हैं। तो फिर क्या खरीदे इसके वास्ते? हाँ दिखाते हैं, ये देखो ये अंग्रेजी साबुन है, 12 रुपए का है। ये 12 रुपए का? हाँ। और ये देखो ये बाल का तेल 20 रुपए का है। इसका 20 रुपए लिए उसने? कहाँ से खरीदा ये? इस लाइन से जाओगी ना तो दो दुकान छोड़ के जो दुकान है ना। अच्छा वो मोतिया सेठ वाली? हाँ वही, हमारे गांव वाला है, सब वहीं से खरीदते हैं। बहुत अच्छा आदमी है। क्या अच्छा आदमी है, बहुत दुष्ट है। जानता है तुम लोग अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए मीठी मीठी बातें बनाकर तुम लोगों को लूट रहा है। अरे साबुन की कीमत 8 रुपया और उसने तुमसे 12 रुपए लिए। पता है इसकी कीमत कितनी है? 14 और उसने तुमसे 20 रुपए लिए। जरा चल तो मेरे साथ, देखते हैं उसे। चलो चलो। वो हमको फंसा दिया। फिर हम तो अनपढ़ गवार है ना, हमको सभी लूटते हैं। अरे क्या जानो, मेहनत का पैसा ऐसे वैसे थोड़ी जाने दे रहे। तू झगड़ा क्यों करती है, छोड़। आइए आइए। नमस्ते भाई साहब, सेवा तो आप हमारी करते आए हैं बहुत, अब जरा हमें भी मौका दो सेवा करने का भाई साहब। ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई हमसे जो आप ऐसे बोल रही हैं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, गुस्ताखी आपसे कैसे होगी, गुस्ताखी तो हमसे हुई है। जरा बिटिया वो सामान दिखाना जरा। हाँ भाई साहब, इस साबुन की कीमत जरा बताना तो जरा। इस साबुन की कीमत 7 रुपया और इसकी? इस तेल की कीमत 14 रुपया। अच्छा तो आपने साबुन के तो 12 रुपए ले लिए और तेल के तो 20 रुपए। ये तो सरासर झूठ बोल रही है। अच्छा ये झूठ बोल रही है? हाँ जी। वारे वाह भाई साहब, अनपढ़ गवार देकर आपने इनको लूटना शुरू कर दिया। क्यों इनको पता नहीं होता इसके ऊपर उसकी कीमत होती है इसलिए? बहन हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, ये हमसे 20 रुपए और इसका 12 रुपए लिए है। देखो भाई ये औरत सच बोल रही है, हमें पता है क्योंकि हम इसको जानते हैं। ये क्या चक्कर है साहब? शायद गलती हो गई होगी, ग्राहक का टाइम था ना। अच्छा। और भी कुछ सामान के पैसे लग गए होंगे। हाँ ग्राहक का समय है, टूट रहे हो। आपने शायद मुरारी लाल जैन जी का नाम नहीं सुना होगा? हाँ सुना है, वो जैन साहब जो वकील हैं। हाँ तो हम उन्हीं के यहाँ काम करते हैं। तुम्हारी इस काला बाजारी का नमूना उनके सामने बता देना, अभी इसी वक्त तुमको अंदर करवा सकते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी। हाँ तो उसका हिसाब किताब कर दो और बाकी के पैसे इनको वापस कर दो। वापस कर दो। हम करते हैं, आप चलिए ना। क्यों चले, पहले पैसे वापस कर दो बाद में चलेंगे। और याद रखना इसके बाद जो भी यहाँ पर आएगा उसके साथ जरा ठीक से व्यवहार करना। अच्छा जी अच्छा। दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए आप। वो पैसा पहले गिन ले। हाँ 11 रुपए है। हाँ हाँ ठीक है चल। ठीक है। और ज्यादा होशियारी की तो बहुत महंगी पड़ेगी, बता देती हूँ। आ चल बहन। अरे चल सुन तो, एक बात तो रह गई। क्या? ये जो है ना ये हमारे मेम साहब का कार्ड है, इस पे यहाँ पे उनके घर का पता लिखा है, हम यहीं पे काम करते हैं। जब भी फुर्सत मिले इस पते पर पहुंच जाना, पता किसी से भी पढ़वा लेना, कोई भी बता देगा। फोन नंबर लिखा है? अरे फोन नंबर भी है। ठीक है आ जाना, वैसे कल परसों में आ जाना, मैं हूँ वहीं पे। हाँ ठीक है चल 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 बेटी चल। अरे कहाँ मर गई कर रही हो, चलो। अरे देखो साहब क्या हुआ? अरे कहाँ हो गया भैया? अरे होना कहाँ था, लुट कर आ रहे हैं। अरे पर हुआ क्या? एक लकड़ा गिर गया था इसके पाँव पर, हम कहे हल्दी फल्दी लगा लो ठीक हो जाओगी, नहीं मानी, हमको डॉक्टर के पास लेकर चलो, डॉक्टर के पास लेकर चलो, ठीक होना है, कल काम पर नहीं जा सकेंगे। आए हमारी भी मती मारी गई, ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर बाबू का किए, 40 रुपया फीस ले लिए और 140 की देखो दवाई पकड़ा दिए, लाल पीला पानी। अरे भैया डॉक्टरी दवा हम गरीबों के लिए नहीं है, हमें तो हल्दी तेल भी महंगा पड़ता है। ठीक कह रहे हो भैया, अब तो भगवान ही मालिक है, पैसे तो गए ना। भैया बाबूजी को छोड़ के आओ, हम यहीं बैठे हैं। ठीक है चलो भगवान चलो, चीख पुकार ना करो, दवाई खाओगी कि हमारी जान खाओगी, चलो। हाँ आजा आजा आजा, आराम से आराम से। हाँ अरे बाप, सूरज बैठाओ माँ को ठीक से। हाँ हाँ आराम से बैठना आराम से। ये देखो ये दवा है पीने की, ठीक है, और ये है लगाने की, दोनों को यहाँ रख रहे हैं। हम जाकर तनिक बैठते हैं बाहर, अम्मा को संभालो, बदमाशी करने नहीं चले जाना, समझे? जान खा रखी है हमारी, इससे कमर टूट रही है, क्या बताएं।
उसको बहुत पैसा चाहिए। अरे इतना बड़ा परिवार है, पैसा तो चाहिए ना। हाँ। अरे आओ भैया, आओ भैया, आओ बैठ जाओ, बैठ सर, बैठने दे। और भाई भरतू कैसन भाई? बैठो दिनो भाई। बैठ गए भैया। कैसी है भौजी? अरे भौजी को कहा होना है, दवाई ले दिया है, कह दिया खा लो। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ रख दे बेटा। अच्छा अच्छा कर, दे दे पी लेती हूँ। जा तू जाके सो जा। बापू ने बोला था पहले वाले पीने की ना। ये लो पी लो। तलारी के नीचे आ गया। दूसरा कोई होता ना दवा देता डॉक्टर बाबू। जा जाके सो जा। तो इतना क्यों खिलाते हो? क्या हो गया? अरे बाप रे मर गए। ऐसा क्यों कर रही है तू माँ? माँ ऐसा क्यों कर रही है तू? जा बापू को बुला के लेके आ जा जल्दी। बापू को बुला के लाती हूँ। बापू 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 माँ को। अरे क्या हो गया माँ को? दवाई पिए चिल्ला रही है मर गई मर गई। मरती है तो मर जाने दो। अरे भैया जाकर देख लो कहीं मर मर गई तो। कहाँ कह रहे हो? हाँ भैया चलो देख ही लेता हूँ कहीं मर ही ना जाए। चलो अरे क्या हुआ तुझे? क्या हो गया है? क्या हो? अरे क्या हो गया? आप दवाई खिला दी, अब क्या हो गया? उठाओ लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास। हमारी तो मुसीबत हो गई। उठाओ चलो संभल कर। चलो संभाल के, अरे संभाल के लकड़ा लग जाएगा लकड़ा। हाँ चलो आई आई करती हो दवाई खा के। हाथ लगाओ। अरे भाई जरा हाथ लगाओ भाई। भैया आराम से चलो, हो जाओगी ठीक। हाँ भरतू काका, ये अम्मा बाबू को सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वो तुम्हारी माँ को अस्पताल लेके जा रहे हैं। अस्पताल हम भी जाएंगे, हमको उठाओ, हम जाएंगे। काका तुम यहाँ बैठो, हम अम्मा का लेकर यहीं आ रहे हैं। आए चल गौरी। ठीक है, अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर ले आए, वरना तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। साहिब सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी, मैंने जहर निकाल दिया है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। अब थोड़ी देर ये बेहोश रहेंगी। बेहोश? हाँ बेहोश रहेंगी। जब होश में आएंगी तो इन्हें प्यास लगेगी, पानी मांगेंगी, लेकिन पानी नहीं देना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी आपकी। धन्यवाद मेहरबानी बाद में आप मुझे बताइए, पहले ये बोलिए कि जब मैंने अच्छी तरह से शीशों पर लेबल लगा के दिया था कि कौन सी खाने की है और कौन सी लगाने की, फिर आपने ये गड़बड़ कैसे कर दी? अब क्या बताएं डॉक्टर साहब, अब आगे है ना, लिखना पढ़ना तो आता नहीं, दवाई रख दिए थे कैसे बदल गई हमको काम मालूम, पढ़े लिखे तो है नहीं, कैसे पढ़े, कौन पढ़ाएगा हमको? भाई इतनी सी पढ़ाई लिखाई कोई भी कभी भी कर सकता है, इतनी भी क्या अनपढ़ होने की बात। खैर कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नर्स से कहकर मुझे फोन करवा दें, ठीक है? चलो अच्छा अच्छा नमस्कार। इतनी रात हो गई लौटे नहीं अब तक, कोई खतरा तो नहीं? भगवान भला करे। काकी काकी लगता हाँ। आई गए मगर सावित्री काकी नजर नहीं आती। हे राम। सावित्री कहाँ है? अरे कहाँ होगी सावित्री भाई, अस्पताल में भर्ती कराए के आ रहे हैं। कहे का सब उल्टा सीधा कर दिए, पाँव पर लगाने वाली जहरीली दवा खा लिए, खाने वाली दवा पाँव पर लगा ली। अरे बाप। अब डॉक्टर बाबू कहते हम तो सीसी पर लिख दिए थे ये खाने की है ये लगाने की है, अब उनको कौन समझाए? यहाँ पढ़ा लिखा है कोई? किसको समझता है? हम वहाँ रख दिए थे भाई ये खाने की है ये लगाने की है, हम वहाँ से आए गए कौन ससुर को दवा बदल दिया, जो किस्मत में है वही तो होगा ना। अब कोनो खतरा तो नहीं? उनका कोई खतरा नहीं, खतरा हमका है। तो है काय खतरा? अरे कहाँ बताएं अब कौन खतरा है, एक महीना की पगार तो डॉक्टर बाबू ले लिए, अब बच्चों को भूखा सिलवाएंगे या एक महीना मजदूरी करेंगे खाली पेट? तीनों भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अरे हम सब है ना। हम सब है। अरे आओ विक्रम बैठो, माँ कैसन है? ठीक है,
शाम तक घर वापस आ जाएगी। रोबिन, ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हमका इतनी शक्ति दे दे कि ससुर के नाती गिरधर का हम सर कुचल सके। मन तो हमारा भी यही करत है। ई लो, हम भी आ गए काम पर सावित्री मौसी के बदले। अरे फिर भी मार गिर गई तो? ई लो, हमार माई भी ऐसे ही कहत रही, पर बापू ने भेज दिया ना, हम बीमार नहीं पड़त। पहले तो हमका काम में आने में बहुत दुख होत रहा, पर अब हमका बहुत खुशी होती। चलो चलो, उठो, काम पर जावत है। चलो विक्रम, तुम चलो, हम आवत है। ठीक है। भैया राम कसम, क्या जोड़ी है, देख के तबीयत खुश हो जा रहा है। भैया माधो, ऐसा लगे दो हंसों की जोड़ी जा रही है। इनके बारे में जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, इनका तो ब्याह करना ही पड़ेगा। क्या हुआ भौजी? अरे तुम, कहाँ हो, काहे रो रहे हो? यहाँ ऊपर आई सुस्ताने तो राधा की याद आ गई, यही वो जगह जो उस कमीने गिरधर ने राधा के साथ कुकर्म किया था, वो देखो, वो उसकी टूटी हुई चूड़ियां। क्या कर रहा है तू? कोई पागल हो गया क्या तू? क्यों पागल हो गया तू? दिन कितना समझाया माधव का कर मुकादम ने, हम कुछ नहीं कर सकते। ए गौरी, इको
देख मैं पानी लेकर आती हूँ। ए कोई हरकत ना करियो तू। विक्रम तू पागल हो गया था क्या? ये क्या कर रहा था? पता नहीं हमका का होए गवा। राधा के संग जौन जौन हुआ है वो सब हमारी आंखन के सामने घूमे लगत है। हमार खोपड़िया घूम गई। तो क्या हो गया? भौजी हमका माफ कर दे। अरे विक्रम हम पैदा ही जुलम और दुख उठाने के लिए हुए हैं। हमें उफ करने आ भरने का कोई अधिकार नहीं। हमार नाना कहा करते थे पापी को मारने के लिए उनका पाप ही काफी है। गिरधर भी अपने पापों के हाथों मारा जाएगा। तुम तो हमार टोली के चिराग हो। कल को तोहार और गौरी की शादी होगी, नया जीवन शुरू होगा। अरे कोई गुस्से से ऐसे अपने जीवन की बलि चढ़ा थे क्या? भौजी हमका माफ कर दो, हमसे गलती हुई गई। क्या हो रहा है? अरे लक्ष्मी का की तुम? कुछ नहीं, विक्रम भैया की तबीयत खराब थी, मैंने पानी पिलाया है, गौरी पसीना पोंछ रही है। हो गए पानी पिला के? हो गए पसीना पोंछ के? आप तबीयत ठीक हो गए ना? आप चलो काम पर, यहाँ रोगियों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ जो औरत पेट से होती है ना 9 महीने तक काम करती है और बच्चा पैदा होने के बाद दूसरे ही दिन काम पर आती है। यहाँ बीमार बने बैठे हैं। चलो चलो काम पर चलो। अरे चलो। लो जी गौरी नहीं आई का? घूम रही होगी वो डंगर के साथ में। उसको होश कहाँ है? देखो जी हम तुमको बता ही देते हैं, वो कलवे के साथ घूमना हमको बिल्कुल पसंद नहीं। अरे काहे परेशान होती है, बच्चे हैं, बचपन से साथ साथ खेलते कूदते लड़ते झगड़ते बड़े हुए, अब कोई नई बात हो गई का? जब बच्चे एक दूसरे के गले लगे ना तो बहुत अच्छा लागत है, पर नौजवान लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से गले मिले ना तो हम का नहीं पसंद। तू तो नाहक ही अपना खून जला रही है। वो दिन भूल गई का कैसे दबोच लिया करती थी, काट लेती थी, कहती थी मेरे गाल टमाटर जैसे लाल है, खाने को भी करता है। मन तो साफ था, वो भोलेपन का जमाना था, ये भोलेपन का जमाना नहीं। शादी के बाद भी हम कहत रहे क्या ऐसा ना करो, नहीं तो हम मम्मा को बता देंगे। बच्चे हैं, भोले हैं। हाँ भोले हैं, तुम आज भी भोले लगत हो, पर आज के बच्चे बच्चे ना ही रहे। कहाँ अटक गई थी अम्मा? वो वहाँ वो क्या कर रही हो? का आज भी तबीयत खराब थी? का उनका गले में हाथ डाल के बैठी थी? बाबूजी अम्मा मेरे को जब भी विक्रम के साथ देखती है बड़ी अजीब सी बातें करने लगती है। तो हर हरकतें भी ऐसे होते हैं? क्या हरकतें? जानते हो बाबूजी आज क्या हुआ? क्या हुआ बिटिया? बाबूजी गिरधर दफ्तर से आ रहा था, विक्रम ने उसे देखा तो एकदम गुस्से में पागल हो गया। उसके मुंह से टप 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 पसीना छूटने लग गया। वो चंदेरी भाभी है ना, उसके लिए पानी लाने गई, हमने उसका पसीना पोंछा, उसको संभाला, तो क्या बुरा किया? और ये माँ की बातें सुनो। ऐसी बात नहीं है बेटे, तेरी माँ तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, डरती है कि तू कोई गलत काम न कर बैठा। ले हम नहीं खाएंगे, पहले डांट खाओ फिर खाना खाओ। ले हमरे हाथ से खाएंगे। जब तू माँ बनेगी ना तो तुझे पता चलेगा कि माँ के डांट में कितना प्यार होता है। ले खाए ले, खाए ले। लगा दिया मुटा, ये ले कड़क नोट पकड़ जा। अरे जा भाई, क्यों बिल्ली तरह देख रही है, उसको भेज दे। जाना भाई जा।
आ गई बड़ी चकाचक लग रही रे, ला ला अंगूठा। नहीं मैं लगा लूंगी। अरे नहीं है ना, आज पहली बार आई है, मैं सोचा पहन के लगा दूं। ठीक है तू लगा ले, लगा ले। ये ले फड़क फड़क नो, कल काम पे आएगी ना। जा हम आओ, बहुत दिनों बाद आए, हमार भी अंगूठा लगा दो। विक्रमुआ ये मजाक का वक्त नहीं है, अंगूठा लगा पैसे ले जा। ये पकड़, अरे पहले अंगूठा लगा। तेरा पिछला हिसाब भी चुपता कर दिया है। हिसाब तो अभी बाकी है बापू। कौन था रे? आए? बाद में बताऊंगा। रतन माँ जी मालिक। हाँ तथा क्या मालिक? हाँ तथा, अरे देख रे बड़ी खतरनाक निगाह से देख रहा था, उसके ऊपर जरा ख्याल रखना भाई। हमें ज्ञान दो, हम ज्ञान दे, अक्षर दान दो, अक्षर दान दे। बालक हो या प्रौढ़ हो, है सब शिक्षा के हकदार। फैलाए प्रकाश हर दिशा, दूर करे अंधकार। माये वरद कर डाले हम, ये सपना साकार। हो शिक्षित बाल नर नारी, भारत बने महान, भारत बने महान, भारत बने।